सो आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे जो है कि कैसे हम इस जो है कि ये सारे वायर को हम जो कि बांधेंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें जो कि सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जो है कि यहाँ पे ये मेरा चार वायर जो है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, एकदम ये एकदम सिंपल कनेक्शन है जो कि ये आप भी कर सकते हो। देखिए, ये मेरा चार कनेक्शन, ये मेरा फेस है, ये मेरा न्यूट्रल है, ठीक है, और ये मेरा जो है कि इन्वर्टर है, और ये मेरा अर्थ है। देख लीजिए, तो ये मेरा चार वायर है जो कि आपके आंखों के सामने है। और मैं आपको जो है कि हर वीडियो में बताता हूँ जो है कि डबल वायर उतार के आपको क्या करना है, एक कुछ छीन लेना है। ये आप देख सकते हैं मेरा छह वायर है। ठीक है, ये छह वायर जो है ये मेरा बल्ब का है, बस जो है कि हमारा तीन बल्ब है, तीन का जो है कि न्यूट्रल और फेस है। तो हम क्या किए, देखिए जो है कि हमारे बल्ब का जो है कि छह वायर था, तो हम जो है कि हम बल्ब का जो है जितना सारा है एक एक वायर को हम छीन लिए, तो मेरा न्यूट्रल हो गया है, और जो ये आप ऐसे देख रहे हैं जो कि तीन, ये मेरा फेस हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको आप सिंपल क्या करना है, इसे बांध देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हुआ मेरा छिला हुआ है ऐसे आपको पकड़ लेना है, ये जितना छिला हुआ है ऐसे आपको पकड़ने के बाद, ठीक है, ये बहुत जो है कि छोटी वायरिंग है। मैंने सोचा कि भाई चलो भाई, अगर यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोग सीखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस जो है कि काम सीखने से मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरा तीन हो गया न्यूट्रल। ठीक है, अब इसे बांधना का है हमारे इस वाले न्यूट्रल में, जो कि हमारे जो है कि दूसरे बोर्ड से आ रहा है हमारे इस वाले न्यूट्रल में। अभी ये तीनों न्यूट्रल को क्या करेंगे, हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसे काट के हम बांध लेते हैं। एकदम ये इजी कनेक्शन है। अगर आप कोई भी अगर बल्ब का, मान लीजिए अगर कोई बल्ब डालने वाला आप, जैसे मान लीजिए किसी बल्ब का, एक बल्ब का अगर आपको जो है कि उसमें देना कनेक्शन, तो क्या करें, सिंपल जो कि दो वायर लेके जाएं और एक को जो है जो हमारे बोर्ड के साइड, एक को छील दें और एक को वैसे रहने दें, और जो छीला हुआ है वो मेरा हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, और उसके बाद से आप जो है कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे छील दिए हैं, आप देख सकते हैं, और ये न्यूट्रल में हम क्या करेंगे, इस तरीके से बांध देंगे। ठीक है, आपको इस वाले वायर को जो है काटना नहीं है, उस तरीके से काटने जो है कि काम अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें लपेट देना है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो है कि न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, हमारे जितना सारा जो तीन बल्ब था, तीनों का हम न्यूट्रल इसमें बांध दिया। ठीक है, हमारे बल्ब को न्यूट्रल मिल गया है, और फेस जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा बल्ब का फेस है, ये हमारा फेस वायर जो है हम जो है कि काट के एक्सरसाइज कर लेंगे। और ये आप फेस देख रहे हैं, फेस को कुछ नहीं करना है, ये दोनों वायर जो है मेरा फेस ही है, आप देख सकते हैं। एक है मेरा ये पतला वाला जो कि इन्वर्टर का, और ये मोटा वाला आप देख रहे हैं ये 8 mm का, ये मेरा फेस है। ठीक है, तो आप चाहे ये तीनों बल्ब को, या तो चाहे इस डायरेक्ट लाइन पे जलाएं या इन्वर्टर पे जलाएं, ऐसे ही करके बस स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देना है। मैं स्विच बोर्ड का भी मैं आपको कनेक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर टेप मार लेते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है कि टेप मारना है, टेप को कभी खोल के नहीं मारा जाता, इस तरीके से खोल के नहीं मारना है। ठीक है, टेप मारने का ये तरीका नहीं है, टेप को बस आप इसमें ऐसे ऐसे बस चिपका के आपको रखना है। ठीक है, खींच के नहीं मारना, ये टेप मारने का तरीका नहीं है। मेरे इतने सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ये सब सारा जो की जानकारी बस उन्हीं के लिए है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये मेरा हो चुका है। अभी मैं आपको बताया, इससे पहले अगर मैं वीडियो आप देखे होंगे, तो आपको क्या करना है, चारों फेस को इस तरीके से जो टेप मार देना है। ऐसे क्या होता है ना कि तार जो है इधर उधर नहीं होता है, अपने जगह पे अपने पोजीशन पे वो बना रहता है अच्छे से, और जो कि वायर समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आपको एक मार देना है। ठीक है, इस तरीके से आप मार दिए, सिंपल। और इसको अभी क्या करना है, हम बता रहे हैं आपको, और इसको भी आपको मार देना है टेप, इसके ऊपर भी आपको टेप मार देना है। तीनों जो मेरा बल्ब का है, इसके ऊपर भी आपको इस तरीके से जो है टेप मार देना है। तो यहाँ जो है कि ये हम टेप मार लिया, ये जो है एकदम समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम छीलेंगे। ठीक है, इसको हम छीलेंगे, यहाँ से छील लेते हैं अच्छे से, इस तरीके से आपको छील लेना है तीनों को। ये देख लीजिए जो कि ये तीनों छील लिया, और ये हम लगाएंगे स्विच बोर्ड के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बोर्ड के अंदर भी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये पूरा मैं आपको एकदम कम्प्लीट जो है इसकी मैं सेटिंग में दिखाऊंगा आपको एकदम कम्प्लीट। तो ये तीनों आप देख सकते हैं, मैं इसे कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, हम इस वाले जो है कि स्विच बोर्ड के अंदर लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप पीछे, यहाँ पीछे हम जो है कि करेंगे कनेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सिंपल जो है कि ये सारा जो है स्क्रू को जो है लूज कर लेना है इस तरीके से। मैं जैसे यहाँ पे लूज कर रहा हूँ, आपको ऐसे लूज कर देना है, और जो कि ये तीनों वायर जो है एक एक में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। ये देखिए तीनों जो हम इसमें लगा लिए हैं, अब इसको क्या करना है, ऐसे आपको
इसको टाइट कर देना है, ठीक। और ये तीनों जो है ये मेरा टाइट हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों ये मेरा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल जो है कि हम इसमें बस फेस देंगे। अभी फेस देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो ये आप क्या करना है, या तो इसे लगा सकते हैं जो कि हमारे लाइट का जो है मेन, और नहीं तो इन्वर्टर लगा सकते हैं आप। तो अभी हम क्या करें, इस लाइट को जो है इसमें लगाएंगे मेन लाइट, ठीक है। न्यूट्रल तो हम भाई हम तो न्यूट्रल को पहले ही बांध दिए, बल्ब जो हमारा जितना सारा बल्ब में न्यूट्रल था वो जो है हम इसमें बांध दिए तीनों। अब जो है फेस हम दे रहे हैं स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक है। अभी आपको इसे सेंटर में देना है, देख लीजिए। और जो लोग हमारे अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं वही लोग बस समझ पाएंगे जो है कि हमारी वायरिंग कैसे होती है, हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं, क्योंकि मैं उनको ही जो है कि मैं पहले से ही वीडियो में बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ ये सब का मतलब जो है कि कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो अभी देख लीजिए सिंपल आप लोग के लिए जो ये पूरा आसान है। देखिए अभी जो हमारे बल्ब जो है ये तीन बल्ब का स्विच हो गया, ठीक है। और तीनों का न्यूट्रल हम यहाँ बने, तो न्यूट्रल इधर से मिल गया और फेस जो है इसके अंदर सीधे डाल दिया, फेस इससे टच हो गया और बल्ब जो है जलना चालू हो गया। तो सेम जो है कि इसी तरीके से जो है कि हमारी बोर्ड वायरिंग होती है, ठीक है। और जैसे मैं आपको मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि डबल डबल जो हम वायर निकालते हैं, डबल डबल मैं डबल करके जो है निकालता हूँ फिर एक को छील देता हूँ, तो उसी तरीके से हम डबल डबल लाए हैं, एक को छील दिया उसे छीला हुआ न्यूट्रल में बांध दिया और फिर उसको जो है स्विच में लगा दिया। तो सेम ऐसे ही जो है कि बोर्ड वायरिंग होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छी वायरिंग लगे।